स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम है। इस मौके पर जगह जगह गणपति बप्पा के पंडाल सजाए गए हैं। हम आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर की है और दूसरी तस्वीर मुंबई के राजा की है, जहां गणपति का पंडाल पुणे के मंदिर की थीम पर आधारित है। वहीं तीसरी तस्वीर वडाला के गोल्ड गणपति की है और चौथी तस्वीर नासिक की गोदावरी कुर्ला ट्रेन की है, जिसमें गणपति का पंडाल लगाया गया है। आज हम आपको गणपति के अलग अलग पंडालों के दर्शन कराएंगे, जो अपने आप में कई खासियतों को लेकर बने हैं। गणपति स्थापना हो चुकी है, लोग भक्ति की सभी सीमाएं पार कर जाना चाहते हैं। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सब बस गणपति बप्पा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई के सबसे अमीर गणपति। जब मुंबई बंबई थी, तब से इन्हें नौशाला पावणा विश्वासा राजा कहते हैं, यानी सबकी मन्नत पूरी करने वाले राजा, जिनकी मूर्ति स्थापना में 80 किलो सोना लगा है। और सबसे खास बात यह है कि गणपति का बीमा भी है, वो भी 125 करोड़ रुपए का। 80 किलो का सोना और तकरीबन 224 करोड़ का बीमा, यानी कि मुंबई का सबसे अमीर गणपति। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जीएसवी सेवा मंडल का, ये माटुंगा किंग सर्कल में बहुत पुरानी परंपरा है इनकी। हमारे साथ अभी यहाँ पर उनके मंडल के अध्यक्ष है सतीश नायक जी। 60 साल से यहाँ पर आप स्थापित कर रहे हैं। 5 दिन का गणपति होता है और सबसे अमीर गणपति कहलाया जाता है। क्या खूबी है और क्यों इतना सबसे ज्यादा सोना यहाँ पर देखा जाता है गणपति? अभी इसे बम्बई में मराठी में कहते हैं नौशाला पावणा विश्वाचा राजा। सबका मन्नत भगवान पूरा करता है तो उन लोग इधर आके देते है। अभी छोटा में छोटा मन्नत भी आज देखिए, आज हमारे गणपति में 11.5 फुट का मूर्ति है, 14.5 फुट यानी विथ मकर यानी पीछे जो उसका चांदी का दिखता है वो आप देखेंगे। सिर में जो मुकुट है वो 22 किलो का है, 33 इंच हाइट है। उसके बाद में दो कान के बाद दो हाथ में जो अस्त्र पकड़े हैं वो अस्त्र जो पकड़ा है वो भी सोने का है। ये सब चीज सोने का है। इतना नहीं, भगवान का प्रिय यानी जो मोदक कहते हैं, जो हाथ में मोदक है वो भी है। और इस साल अभय अस्त्र बोलता है, अभय अस्त्र जो आशीर्वाद दिया जाता है उसके अंदर आप देखेंगे एक जासवंदी का फूल है, वो भी एक डिवोटी ने 150 ग्राम का है, वो इसका वजन 150 ग्राम है और मूल्य है 5 लाख रुपया। और इसके पैर और जिसपे वो विराजमान हुए है, ये विराजमान हुआ उसको सुवर्ण सिंहासन कहते हैं। तो सब मिला के इसमें 70 से 80 किलो सोना है। इस साल हमारा 60वां साल है, इंग्लिश में डायमंड जुबली कहते हैं। डायमंड जुबली में भगवान को क्या दिया जाए सोच रहे थे, कुछ बचा ही नहीं है, तो हम लोग मुग्धल पुराण में गए। मुग्धल पुराण में गुरु जी ने सब देखा, उसके अंदर मुग्धल पुराण में 32 गणपति का एक हार उसका वर्णन है, तो हम लोगों ने वो 32 गणपति का हार इधर अभी बनाया है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी में और ऐसी टाइट सिक्योरिटी में
इस गणपति बापा की यहाँ पर पूजा हुई है। मंगलवार को ये गणपति बापा जो है सबसे अमीर मुंबई के गणपति बापा वो विसर्जित हो जाएंगे। कैमरामैन मदन यादव के साथ नयन कारेगर, न्यूज एक्सप्रेस मुंबई। और अब हम आपको दिल्ली और मुंबई का हाल दिखाते हैं अलग अलग। दिल्ली से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शैलजा है और साथ ही मुंबई से दक्षिता हमारे साथ है। सबसे पहले शैलजा, मैं आपसे सवाल करूंगी, आज तीसरा दिन है गणेश उत्सव का, दिल्ली में आपको किस तरह की धूम नजर आ रही है? आज तीसरा दिन है हिमांशी गणपति उत्सव का और यहाँ पे मुंबई के लालबाग के राजा आ चुके हैं और लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बारिश हो रही है तब भी लोगों में उत्साह कम नहीं हो रहा है। मैं सीधे बात करूंगी सेक्रेटरी जी से, सत्यपाल जी, पूछूंगी कैसा उत्साह लोगों में बना हुआ है। बारिश होने के बावजूद भी कल लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पे आना था और बाबा के दर्शन करने थे। हमारे लाल बाग बागचा ट्रस्ट ने इतना इंतजाम किया है, सिक्योरिटी का कैंप वगैरह लगा रखे हैं और पार्किंग की सुविधा है और हर एक आने वाले को हम मोदक प्रसाद पूरे 24 घंटे देते हैं। हमारे सेक्रेटरी सुभाष जी, संजीव एरन जी और सभी लोगों ने इस तरीके से पूरे इसको बांधा हुआ है, इस पूरे फंक्शन को, कि हम चाहते हैं कि दिल्ली का हर एक आदमी आके यहाँ पे दर्शन करे और जो लोग बॉम्बे नहीं जा सकते उनको यहाँ पे दर्शन हो। ऐसे तो बहुत से लोग हैं बॉम्बे में भी कि रश की वजह से दर्शन नहीं करते हैं, मगर बारिश और तूफान को सब चीजों को देखते हुए भी हमें ये लग रहा है कि हम बहुत से लोगों के सपने को साकार करेंगे और गणेश जी के दर्शन को हमारा ट्रस्ट सब लोगों को दर्शन पूरा कराए। थैंक यू। तो आपने सुना हिमांशी, यहाँ पे लालबाग के राजा दिल्ली में आ चुके हैं और लोग बहुत ही खुश हैं इस चीज को देख के कि लालबाग के राजा, आपको मैं दिखा सकती हूँ कितने खूबसूरत लालबाग के राजा दिल्ली में स्थापित हो चुके हैं। आज तीसरा दिन है, बारिश का टाइम है तब भी लोग यहाँ पे, लोगों की आवाजाही लगातार यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है लालबाग के राजा को देखने के लिए। बिल्कुल, मुंबई में जहाँ भारी भीड़ के चलते लोग गणेश जी के दर्शन नहीं कर पाते या फिर अब दिल्ली में चूंकि बारिश हो रही है इस वजह से दर्शन नहीं कर पाते, तो सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तजन आराम से बिना किसी परेशानी के इनके दर्शन कर सके। आप हमारे साथ बने रहिए शैलजा। और अब हम चलते हैं मुंबई, वहां हमारी रिपोर्टर दक्षिता मौजूद है। दक्षिता, आज आप मुंबई के किस इलाके में मौजूद है और किस तरह की रौनक है वहां? आज मैं खड़ी हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके के, अंधेरी का राजा जिसे कहा जाता है वहाँ पे है। आज गणपति का तीसरा दिन है, दो दिन हो चुके हैं गणपति अपने पंडाल में विराजमान हो चुके हैं। डेढ़ दिन के गणपति के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से गर्दी यहाँ पे लोगों ने मनाई है, किस तरह से गर्दी लोग यहाँ पे गर्दी करके यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। भाविकों के साथ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सारे लोगों को अभी बापा का दर्शन करने के लिए यहाँ पे गर्दी मनाई चुकी है। हम देख सकते हैं कि अभी हम है कि अंधेरी के राजा ने यहाँ पे ये मैसूर पैलेस बनाया है। ये मंडल हर बार अलग अलग तरीके से पैलेस बनाते हैं, हर बार बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जैसे लोग वहाँ पे नहीं जा सकते लेकिन यहाँ पे उनकी प्रतिकृति बना के लोगों को, भाविकों को मैसूर पैलेस के भी दर्शन करवाए हैं। जी चलिए, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो ये मुंबई के अंधेरी के राजा के आपने दर्शन किए, यहाँ पर तीसरे दिन भी है लेकिन भीड़ उतनी ही है। तीसरे दिन में भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। और अब हम आपको दिखाते हैं मुंबई के मलाड के इको फ्रेंडली गणपति। अभी हम हैं मलाड के साई दर्शन मित्र मंडल में, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गणपति बापा को कितने अच्छी तरह से सजाया है। यहाँ पे ये मंडल का हर साल यही वादा रहता है गणपति बापा को कि जितने इको फ्रेंडली तरह से हम लोग मूर्ति सजा सकते हैं उसी तरह से यहाँ पे सजाई है। यहाँ पे 30,000 इरेजर, फुटबॉल इरेजर के साथ इन्होंने ये मूर्ति बनाई है। अभी हम बात करते हैं मंडल के अध्यक्ष से कि किस तरह से इन्होंने ये मूर्ति बनाई है और किस तरह से इनका कॉन्सेप्ट है। ये मूर्ति बनाने में हमको 40 दिन लगे और हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों को लेके ही है। हम 4 साल से एंटिक मूर्ति बनाते हैं, हमने स्टार्ट चॉकलेट से किया था, उसके बाद टॉय का, उसके बाद पेंसिल, ये बार हम लोग ने इरेजर का बनाया है बट फुटबॉल शेप में। हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों को लेके ही रहता है, क्यों? क्योंकि बच्चों को बापा के बहुत अच्छे लगते हैं और अलग डिफरेंट में रहेंगे तो बच्चे और आते हैं देखने के लिए, इसके लिए हम लोग बच्चों के लेके ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं। हमने देखा कि बापा हर कोई के होते हैं, बापा के फैन हर कोई रहता है, लेकिन बच्चों का स्पेशली बापा यहाँ पे बच्चों को आकर्षित करने के लिए ये मंडल ने ध्यान दिया है।
कैमरा पर्सन मदन के साथ दक्षता टसाए, न्यूज एक्सप्रेस। अब बात करते हैं मुंबई के कुर्ला इलाके की, जहां -10 डिग्री में गणपति की मूर्ति की स्थापना हो, वो भी बर्फ पर। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर यकीन नहीं होता तो देखिए ये रिपोर्ट। पर -10 डिग्री तापमान पर स्नो वर्ल्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ हर साल गणपति का आगमन होता है, यहाँ गणपति स्थापित किए जाते हैं। ये स्नोवी गणपति बापा है जो पूरे स्नो से बनाए गए हैं। दो मूर्तियां स्थापित की गई हैं गणपति बापा की। ये मूर्ति की हाइट है 5 फीट और 5,000 किलोग्राम की ये मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, हर साल भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। दिन में 2 बार आरती की जाती है, अभी कुछ ही देर बाद यहाँ आरती की जाएगी। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दर्शन करने आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ स्नोवी गणपति बापा है और हर साल यहाँ स्थापित होते हैं, तो कैसा लगता है? जैसे कि पूरा बर्फ का बनाया गया है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा गणपति मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। यहाँ पे गणपति के हम बॉम्बे में हर एक तरह तरह की मूर्तियाँ देखते हैं, कलरिंग फर्नीचर के हर एक तरह तरह की मूर्तियाँ देखते हैं, लेकिन स्नो का गणपति मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। लेकिन आप अभी देखकर ऐसा आश्चर्य लग रहा है कि स्नो का भी गणपति हो सकता है गणपति? तो लास्ट टाइम जब आए थे तो हमारी मनोकामना पूरी हो गई थी यहाँ पर। ये गणपति बनाने के लिए मुझे 7-8 दिन लगे, पूरा डेकोरेशन करने के लिए मुझे 10-12 दिन लगे। और ये गणपति बनाने के टाइम मुश्किलें तो आई, लेकिन कुछ अभी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आदत हो गया हमें गणपति बनाने का। एक्चुअली -10 के टेम्परेचर में गणपति बनाना इतना इजी नहीं है, बट हम लोगों ने एक ठान ली कि हमें गणपति बनाना ही है, तो इस वजह से हम लोग दिन रात एक करके हम लोग मेहनत करते रहे, गणपति बनाते रहे। और यहाँ बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए भी कई चीजें रखी गई हैं, बच्चे यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही अपने प्यारे गणपति बापा के दर्शन भी कर सकते हैं। स्नो वर्ल्ड का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो बर्फ है वो फेंक रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वहाँ स्लाइडिंग भी रखी गई है। और ये 10 दिन के गणपति बापा है, 10 दिन तक यहाँ विराजमान रहेंगे गणपति बापा। इसके बाद में 10 दिन के बाद गणपति बापा का विसर्जन किया जाएगा। और अब चलते हैं मुंबई के अंधेरी, वहाँ मौजूद है हमारी रिपोर्टर दक्षिता। दक्षिता, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर काफी तादाद में भक्त आते हैं और गर्दी करते हैं, गर्दी क्या है ये हमारे दर्शकों को समझाएं आप। बिल्कुल, अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत गर्दी है और अंधेरी का राजा ये मन्नत पूरी करने वाला गणपति बापा माना जाता है। इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ कि गणपति बापा के मूर्ति के यहाँ पे जो हार है, जो फूलों के हार चढ़ाए जाते हैं, साथ ही साथ उसे 10 रुपए 20 रुपए जो नोट रहते हैं उसके हार चढ़ाए जाते हैं। वो गणपति बापा जिन भक्तों की मन्नत पूरी करता है, वो भक्त गणपति बापा को अलग अलग तरीके से हार अर्पण करके अपनी कामना पूरी कर लेते हैं। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि गणपति बापा के साथ में जो मूषक सामने खड़ा किया गया है, वो भी मूषक एक भाविक ने गणपति बापा को मन्नत पूरी होने के बाद दे दिया है। ये एक भक्त ने ऐसे कहा था कि मेरी खेती अच्छी तरह से होती नहीं, अगर मेरी खेती अच्छी तरह से हो जाएगी तो मैं गणपति बापा का मूषक उसे अर्पण कर दूंगा। उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि सुबह जब पहले दिन हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने देखा था कि गणपति बापा को सभी कार्यकर्ताओं ने, साथ ही साथ मंडलों ने ये कहा था कि मुंबई में बारिश कम हुई है, महाराष्ट्र में बारिश कम हुई है, तो गणपति बापा ने वो भक्तों की उनकी मन्नत पूरी कर दी। और कल शाम से ही मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र जो सूखा इलाका कहा जाता है वहाँ पे बारिश होनी शुरुआत हो चुकी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि गणपति बापा हर लोगों की मन्नत पूरी कर रहा है। जी, गणपति बापा ने जिनकी मन्नतें पूरी की वो भक्त वहाँ पर आए हैं और जो उन्होंने मन्नत मांगी थी उसके अनुसार ही भेंट वो गणपति बापा को चढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं दिल्ली, वहाँ मौजूद है हमारी रिपोर्टर शैलजा त्यागी। शैलजा, थोड़ी देर पहले आपने हमें दर्शन कराए दिल्ली में लालबाग के राजा के, वहाँ पर ये बताइए आज दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और कितनी भीड़ है वहाँ? भीड़ बारिश के चलते बढ़ती ही जा रही है, लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है मानसी। और बारिश चाहे कितनी भी हो मगर लालबाग के राजा जब दिल्ली आ गए हैं तो लोग उनके दर्शन करने को पूरी तरीके से तैयार हैं। और हमारे साथ यहाँ पे लालबाग से आए पंडित जी संतोष जी भी मौजूद हैं जो 24 घंटे यहाँ पे उनकी सेवा में मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि वहाँ से आके उनको यहाँ गणपति जी की सेवा करने में कैसा अच्छा लग रहा है।
वैसे तो लालबाग का राजा ही है सबसे बड़ी, आज से बहुत साल से सेवा उधर करे। ये दिल्ली वाले लोगों ने हमको बुलाया यहाँ पूजा करने के लिए, इसलिए यहाँ पे आ गए। भक्तों का उत्साह देख के आदमी का सबका मन भर गया। जी क्या क्या खास खास तैयारियाँ आज पूरे दिन यहाँ पे होंगी आप ये बताएंगे? हमारा जो मेला ग्राउंड है उसके अंदर सबसे दिल्ली का सबसे बढ़िया जो कैटर है वो यहाँ पे आया हुआ है, और हर तरीके की सुविधा, झूले, वो हमारा डिपार्टमेंट इसके पीछे है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बारिश के लिए भी ये जितने भी पंडाल बने हुए हैं ये सब वाटरप्रूफ है। एक पानी किसी बिल्कुल हम देख सकते हैं, चाहे गणपति कहीं भी विराजमान हो लेकिन लोगों की भावना बिल्कुल एक जैसी है, गणपति बप्पा के प्रति श्रद्धा बिल्कुल एक जैसी है। दिल्ली से शैलजा आपका और साथ ही मुंबई से दक्षिता आपका शुक्रिया हमें दर्शन कराने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।